जय माँ नैना देवी। नैनीताल ब्लॉक की सीट चल रही है तो आइए चलते हैं आज चुनी सड़क की तरफ। ये जो शॉप देख रहे हैं ठंडी सड़क से कुछ ही दूरी पे स्थित है और आपको यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देने में मिलते हैं। वैसे नैनीताल की कैंडल्स बहुत फेमस है, तो आपको जगह जगह जितने भी यहाँ पर शॉप है उसमें कैंडल्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ से शुरू होती है ठंडी सड़क, जिसे कि अरविंद मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, यहाँ पर व्हीकल्स अलाउ नहीं है। अगर आपको पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है तो एक बार ठंडी सड़क जरूर विजिट कीजिए। वॉक करने के लिए नैनीताल की बेस्ट रोड मानी जाती है। यहाँ लोग ज्यादातर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं। साथ में आपको नैनीताल लेक के बहुत अच्छे व्यू और बहुत सारे मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। यह है ठंडी सड़क में स्थित शनिदेव मंदिर। अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो एक बार जरूर यहाँ दर्शन कीजिए। कुछ ही दूरी चलने पर आगे उत्तराखंड के न्यायी के देवता गोलूदेव का मंदिर है। गोलू देवता को न्याय का देवता और क्षेत्रीय देवता के रूप में भी जाना जाता है। यह है बजरंगबली और सुजीत जी का मंदिर।
कहते हैं पाषाण देवी मंदिर। नैनीताल का सबसे प्राचीन मंदिर है पाषाण देवी मंदिर। यहाँ पर पत्थर पर बनी माँ भगवती की अद्भुत मूर्ति है। पाषाण देवी को माँ भगवती का स्वरूप भी माना गया है। माना जाता है पाषाण देवी की इस मंदिर पे चट्टान पर माँ का मुख दिखाई देता है, जबकि उसके पैर झील में डूबे हुए हैं। आकार में विशाल इस शिला में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों का दर्शन होता है।